सिद्धार्थ सेठानी साहब है तैयार। सुस्वागतम सिद्धार्थ जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। आईटी स्पेस से खरीदारी की राय है अनिल जी, और ये आईटी स्पेस से कंपनी होगी एचसीएल टेक, वन ऑफ द दिग्गज ऑफ आईटी स्पेस एचसीएल टेक। इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 1960, दूसरा टारगेट 2020 खेल नहीं है, टारगेट है 2020। और सेप्टेम्बर 2020 से विद अ डिस्क्लेमर हम ये रिकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। आईटी इंजीनियरिंग रिसर्च, बीएफएसआई, रिटेल, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, ये सारे सेगमेंट्स को कैटर तो करती है, बट आरओई 17% पे देखा जा रहा है। मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखा है Q2 में, जो काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $2.2 बिलियन के करीब है। रेवेन्यू गाइडेंस भी रेज किया गया है मैनेजमेंट द्वारा। एबिट मार्जिन गाइडेंस मेंटेन किया गया है 18 से 19%। बेहतरीन कंपनी है आईटी स्पेस की एचसीएल टेक, 1960 फॉलोड बाय 2020। ओके, ये है आपके लिए 1960 और 2020 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक में खरीदारी करने की राय। कुछ स्टॉक्स पे फोकस करते हैं सिडानी साहब। कैनरा बैंक पे मैं व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि इन्हें इंश्योरेंस यूनिट एएमसी में ये हिस्सा बेचेंगे। रोबेको एएमसी में 13% और एचएसबीसी लाइफ में 14.5%। जरा बताइए क्या राय बन रही है कैन बैंक में। देखिए सारे पीएसयू बैंक समूह काफी स्ट्रांग दिख रहा है, फॉलोड बाय एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। तो हम तो पॉजिटिव है कैनरा बैंक पे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये जो न्यूज है कैनरा बैंक पे, ये भी पॉजिटिव रहेगी। तो चाल तो पॉजिटिव तरफ में रह सकती है कैनरा बैंक पे, बट हमारा जो टॉप पिक है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में वो एसबीआई फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा है। पर अगर आप कैनरा बैंक ले चुके हैं तो बिल्कुल बने रहिए एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक चाल बहुत अच्छी रहेगी और नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। होल्ड करने की सलाह कैन बैंक में। सिडानी सर, जैगल प्रीपेड, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। आज हमारी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट में भी है, क्या राय बन रही है सर इसके फंडामेंटल्स पे और स्टॉक पे? देखिए नया नए जमाने का बिजनेस है, हालांकि हमारी इस पे कोई राय या रिपोर्ट नहीं है, बट मैं मानता हूं कि ये पूरे ही बिजनेसेस में मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है और किस हिसाब से कैश बर्न हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये अग्रीमेंट जो है ब्लिंक कॉमर्स के साथ जो इन्होंने किया है, ये एक पॉजिटिव मूव है, बट हमारी इसमें कोई राय या खरीदारी की राय नहीं है। कुछ और स्टॉक्स है जिन पर किया जाए फोकस सिद्धार्थ जी के लिए। पहला बिगुल बाजार खोलने के बाद सुपर सिड। सिद्धार्थ जी फरमाए। अनिल जी, ये जय जवान जय किसान स्टॉक है, डेफिनेटली फार्मर से जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनी है एस्कॉट्स कुबोटा पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको 3550 का रखना है, अभी 3500 के करीब है, और लॉन्ग टर्म टारगेट 4300 का आप रख सकते हैं, वो 6 से 12 महीने का रहेगा। नवंबर 2022 विद डिस्क्लेमर, ये हम रेकमेंड कर रहे हैं लगातार बार बार। फंडामेंटली थर्ड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, 10% का मार्केट शेयर है, आरओई करीबन 13%, और Q2 के जो मुनाफे देखे गए थे वो 53% बढ़ते हुए देखे गए थे, रियलाइजेशन भी 6% से बढ़ते हुए दिखे। की पॉजिटिव्स, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है रूरल इकोनॉमी पे, एक्सपोर्ट रिकवरी पे, क्रॉप प्राइसेस बेटर होते जा रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर साइकिल है जो फायदेमंद कर सकता है एस्कॉट को। 1.5 to 3x पोर्टफोलियो एक्सपेंशन करने वाली FY25 लेड बाय न्यू प्लेटफॉर्म्स ऑफ क्रॉस सेलिंग अक्रॉस द ब्रांड्स एस्कॉट कुबोटा, इस पे खरीदारी की राय है। 3550 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखे, 4300 का 6 to 12 month का टारगेट रख सकते हैं एस्कॉट पे। ओके, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा 3550 छोटा टारगेट, 4300 बड़ा टारगेट, करें खरीदारी। ये राय आपके सिडानी साहब की तरफ से। आइए आइए कुछ और बिगुल। हाँ बिल्कुल, सिडानी जी के लिए बिगुल है सुपर सेट। बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए नेहा, ये स्टॉक मैंने अनिल जी के बर्थडे पे 2 साल पहले दिया था, और ये मेरे दिमाग में तो बर्थडे कॉल ही रह गया है, बर्थडे स्टॉक ही रह गया है, और वो है एनसीसी इंफ्रा की कंपनी एनसीसी पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 330 का, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 368 का एनसीसी पे, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रा रोड वाटर माइनिंग इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट की कंपनी है। सेकेंड हाफ का ऑर्डर इनफ्लोज भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखे गए, मार्जिन बढ़ते हुए देखे गए Q2 के, और टोटल ऑर्डर बुक 52,400 करोड़ देखे गए, जो 2.7x ऑफ द TTM रेवेन्यू है।
हेल्दी पेस एग्जीक्यूशन हो रही है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, वाटर सप्लाई ऑर्डर्स यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर रही है एनसीसी। FY25 का जो ऑर्डर बुक 20,000 से 22,000 करोड़ का इनफ्लो की उम्मीद है और चौथे तिमाही तीसरे तिमाही में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो रहते हैं आईटी इंफ्रा कंपनियों के पास। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 15% रेवेन्यू गाइडेंस पूरा कर सकते हैं FY25 में। एनसीसी शॉर्ट टर्म टारगेट है 330 का, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म 3 से 6 महीने का 368 का एनसीसी पे। बर्थडे पिक तो सिडानी साहब ने दी ही थी, लेकिन 2 साल पहले इनफैक्ट जनवरी 2022 में बजट सस्ता शेयर में सर ने रेकमेंड किया था एनसीसी, तब 73 का भाव था। इस राय मतलब पहले मेरा ना हीरो जीरो की, चलिए बिगुल सिद्धार्थ जी की तरफ से एक बिगुल है सुपर सिड। सिद्धार्थ जी फरमाए सर। नहीं जी बिल्कुल नहीं था, बट आपने बजा दिया तो थैंक यू सो मच। मेरा खाली समर्थन था गैब्रियल पे, मैं कई बार रेकमेंड किया है और ये मैं हमेशा कहता हूँ जोर का झटका धीरे से देता है गैब्रियल, क्योंकि शॉक अब्जॉर्बर की कंपनी और हमारा 700 रुपए का टारगेट है। शायद जैन साहब भूल गए कि मैंने भी रेकमेंड किया है, बट गैब्रियल एकदम टॉप ऑफ द लिस्ट में है ऑटो एनसिले में और जैन साहब को पूरा समर्थन है। 700 रुपए का हमारा टारगेट है गैब्रियल इंडिया। फिर जेम्स तो आपका हुआ, आपका टारगेट तो जैन साहब से ज्यादा है, जैन साहब पे आया है प्रेशर, जैन साहब बढ़ाइए। हाँ मैं तो अनिल जी बात सही है, सिद्धार्थ जी भी बोले और हमारे पैनल में सारे ही इनफैक्ट एक के बाद ये स्टॉक को रेकमेंड किया है। बढ़िया, सिद्धार्थ जी के मुंह से बहुत बार सुना और मैंने भी अगर मैं पूरी काउंटिंग लगाऊं तो करीब 15 बार इस स्टॉक को रेकमेंड कर चुका अलग अलग सेगमेंट्स में। और टारगेट तो ये मैं बाय एंड फॉरगेट बोला हूं, तो 560-600 तो जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं उनके लिए है, बाकी 700 नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिन मतलब 2-3 साल में अगर जिस तरीके की ग्रोथ दिखा रहा है और जो नया इनकी एंट्री है और जो रिजल्ट सारे हैं, ये 1,000 रुपए भी दिखा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। देखो ऐसे आता है जोश, अभी 700 के टारगेट से आगे निकलेगा 1,000 कर दिया है। सिद्धार्थ जी आपकी तरफ से कुछ रेस्पॉन्स? जैन साहब बड़े भाई है, उनको समर्थन है। कितने बड़े तो प्रस्थान दे रहे हैं, कितने बड़े, वजन से या उम्र में? दोनों तरफ से बड़े हैं। देखा ये देखो करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं करेंगे। एक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस डेटा इज फ्रॉम आवर रिसर्च रिपोर्ट कवरेज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.